हेलो दोस्तों, भेड़िया मूवी एक हॉरर कॉमेडी जोनर में बनी हुई है। हॉरर कॉमेडी जोनर में बनी हुई स्त्री एंड रूही के बाद ये तीसरी मूवी है इस यूनिवर्स की। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है एंड देखने का प्लान कर रहे हो तो एक लाइन में मैं इस मूवी का रिव्यू करूंगी कि ये एक एवरेज मूवी है एंड किसी भी तरह के एक्सपेक्टेशन के बिना आप ये मूवी एक बार देख सकते हो। कॉमेडी एंड फन एलिमेंट्स अच्छे हैं बट हॉरर के मामले में ये मूवी बिल्कुल भी फीकी है। आगे इस मूवी के बारे में बहुत सारे स्पॉयलर्स आएंगे तो हम डिटेल में इस मूवी का रिव्यू करते हैं। अगर स्टोरी की बात करें तो वरुण धवन को एक कॉन्ट्रैक्टर दिखाया गया है जिनको जंगल में से रोड बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। रोड के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपने घर को गिरवी रख के अपने कजिन के साथ वो अरुणाचल प्रदेश निकल पड़ते हैं। कजिन के रोल में है अभिषेक बैनर्जी। मूवी का फर्स्ट हाफ सिर्फ दो चीजों पे चलता है। फर्स्ट, रोड के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पेड़ को काटने एंड गांव वालों को कन्विंस करने के लिए। जंगल में से आते जाते वक्त वरुण धवन को एक भेड़िया काट लेता है और उसका इलाज करवाने के लिए वो एनिमल के डॉक्टर के पास जाते हैं जिनके रोल में है कृति सनन। भेड़िए के काटने के बाद वरुण धवन खुद एक भेड़िया बन जाते हैं एंड इंसान को काट के खाने लगते हैं। सेकेंड हाफ इस बेस पे चलता है कि वरुण धवन को अपने अंदर छुपे हुए भेड़िए को मारना है एंड गांव वालों को पिशाच को ढूंढकर उसे खत्म करना है। क्लाइमेक्स में एक सस्पेंस दिखाया गया है जिसके लिए आप ये मूवी देखें। मूवी कॉमेडी के मामले में अच्छी है, हमें कई कई जगह पे हंसी आती है बट हॉरर के मामले में मूवी नो थ्रिल नो एडवेंचर नथिंग ऑन दैट साइड। मूवी के लास्ट फाइट जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। सिर्फ जब वरुण धवन इंसान से भेड़िया बनता है तब का जो वो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने में हमें थोड़ा बहुत मजा आता है। उसका जो VFX है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। अगर एक्टिंग की बात करें तो वरुण धवन ने इस मूवी में अच्छी एक्टिंग की है। कृति सनन की एक्टिंग थोड़ी बट अच्छी है। अभिषेक बैनर्जी जो कि वरुण धवन के कजिन के रोल में दिखाया गया है उनकी एक्टिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है। उनके कॉमेडी टाइमिंग भी अच्छी है। मूवी में जो जो कॉमेडी सीन्स आते हैं वो सिर्फ अभिषेक बैनर्जी की वजह से हमें देखने को मजा आता है। म्यूजिक ठीक ठाक है बट बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है। 60 करोड़ के बजट में बनी भेड़िया मूवी के VFX काफी अच्छे हैं एंड अरुणाचल प्रदेश की ब्यूटी की तो बात ही कुछ और है। मूवी की लेंथ 2.5 घंटे की है। स्क्रीन प्ले और भी अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता था। ओवरऑल ये मूवी एक एवरेज मूवी है। मेरी रेटिंग रहेगी 2 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार।